गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी मेरे साथ है रौनक सहाय। रौनक सहाय जो नेशनल डिफेंस एकेडमी से अपनी पढ़ाई पूरी की है और उसके बाद एयरफोर्स में काम करते हैं। रौनक सहाय को बाइकिंग का बहुत शौक है और इनकी फोटोग्राफिक भी बहुत अच्छी है। आइए जानते हैं रौनक सहाय से इनकी करियर के बारे में और इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में। तो रौनक सहाय, आप बताएँ अपने बारे में थोड़ा डिटेल में। मैंने यहाँ से स्कूलिंग की है सेंट जेवियर से। आई स्टडीड फ्रॉम क्लास प्रेप टिल क्लास टेंथ इन सेंट जेवियर्स। आफ्टर दैट आई मूव्ड ऑन टू डीएवी पब्लिक स्कूल हेहल रांची, वेयर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग। बट एट द सेम टाइम आई आल्सो टुक एन एग्जाम फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड लकीली आई गॉट सेलेक्टेड आफ्टर अ बिट ऑफ प्रिपरेशन। After getting selected, I spent 3 years in National Defence Academy. और National Defence Academy से निकलने के बाद I did 1 year of training in Air Force Academy. And thereafter, I got commissioned as a flying officer. It's been 9.5 years now, almost 10 years now. And right now, I'm currently an instructor. And I myself is teaching all those people who are getting newly commissioned flying. बेसिकली एयर टू एयर एंड एयर टू कॉम्बैट ट्रेनिंग। तो फोटोग्राफी का शौक़ आपको कहाँ से आया? मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ देखे हैं आपके, जब भी जर्नी करते हैं तो काफ़ी अच्छी फोटोग्राफ लेते हैं, तो कहाँ से ये शौक आया? आई थिंक ये सारा शुरुआत फ्लाइंग से हुआ था, बिकॉज जब से मैंने फ्लाइंग शुरू की है आई हैड दिस थिंग फॉर ट्रैवलिंग। बिकॉज अब आप जब ऊपर जाते हो और फाइटर कॉकपिट से नज़ारा कुछ और ही होता है, तो जो पर्सपेक्टिव मिलता है आपको, इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू, सी द चेंज इन पर्सपेक्टिव इज फिनोमिनल। राइट नाउ आई कैन सी द डिटेल्स ऑफ योर रिस्ट वॉच। राइट नाउ सेकंड के मुझे कांटे दिख रहे हैं एंड अबाउट 7 to 8 minutes आई गेट एयरबॉर्न एंड आई एम एट 10 kilometers ऑफ हाइट। जहाँ से आपको हिमालयाज दिखते हैं वहाँ से आपको इंडिया पाकिस्तान बाउंड्रीज नहीं दिखती है। देन आई रियलाइज वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल, वी मस्ट ट्रैवल। तो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। बाइक चलाने का शौक तो पहले से था, मेरे पास पैसे नहीं थे, कमीशन हो गया तो पैसे मिले तो बाइक खरीदी। पहली बाइक मेरी पल्सर थी, उसमें मैंने पहला 2000 किलोमीटर का ट्रिप किया था अपने कोर्समेट के साथ। सो देर आफ्टर आई स्टार्ट ट्रैवलिंग टू आई रियलाइज दैट इज लॉट टू एक्चुअली बी टोल्ड, जो मैं खुद देख रहा हूँ पर किसी को दिखा नहीं सकता हूँ। सो आई पिक द फोटोग्राफी, जनरली मेरा इंटरेस्ट था और धीरे 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 बस पढ़ता गया, बिकॉज आई वॉज सक्सेसफुली एबल टू शो पीपल वॉट आई सॉ। तो ये बाइक का शौक जो आपको आया, तो अभी तक आपने सोलो राइड, अकेले राइड में कितना ट्रैवल किया? किलोमीटर्स से मैंने काउंट नहीं किया है। टू व्हील्स पे आई हैव डन मोर देन अबाउट 1.3-1.4 lakh किलोमीटर्स इन द स्पैन ऑफ यही अभी 7-8 साल में। 7-8 साल में और फोर व्हील्स पे मान लीजिए हम आपका लेंगे कि 6 मंथ में आपने कितना? मैं ऐसे कोई एवरेज नहीं रख सकता क्योंकि अब फ्लाइंग करते हैं वहाँ पे, तो जब छुट्टी मिलती है मुझे, जब मौका मिलता है तो मैं निकल जाता हूँ। अभी करेंटली रिसेंटली आई हैव डन 4000 किलोमीटर का ट्रिप अभी एक सप्ताह में, तो बस मैं निकल जाता हूँ तो निकल जाता हूँ। 4000 ट्रिप वन वीक इन वन वीक? हाँ इन वन वीक। सो हाउ डू यू मैनेज, आप क्या क्या कैरी करते हैं अपने साथ? वेल एक तो मेरी ये बड़ी सी बाइक है, इस पर कौन सा बाइक है ये? इट्स अ कावासाकी वर्सेस, इट्स कॉल्ड एन ADV टूरर। अभी इंडिया में कंसेप्ट लोगों को पता नहीं होगा, जनरली लोग हार्लीज और सुपर स्पोर्ट्स पे जाते हैं, बट एडवेंचर टूरर है बाइक। बेसिकली मेंट टू डू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स एंड दे आर कम्फर्टेबल और बैड रोड्स एज वेल एंड दे कैन डू अ बिट ऑफ ऑफ रोडिंग। तो यहाँ पे मेरे 2 aluminum 45 liter के पैनियर लग जाते हैं, उसमें सारा सामान डाल दो एंड आई कैरी माई हाइड्रेशन पैक, ये पानी पीने के लिए ताकि मैं डिहाइड्रेट ना हूँ लॉन्ग जर्नी पे। ये क्या है? GoPro? हाँ जैसे GoPro। अच्छा, ये कितना अच्छा क्वालिटी इसका ले सकता है कैमरा? दिस इज अ वेरी गुड कैमरा, आप फुल HD ले सकते हो, 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो और स्टिल आप फोटोज भी खींच सकते हो। ये मोबाइल से कनेक्टेड होता है? आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो, चलते चलते अगर जाना है खींचना है तो वो खींच सकते हैं, आप कर सकते हो। और इसमें क्या फीचर्स हैं? जैसे GPS तो लगा ही होगा? GPS आप खरीद के अलग से यहाँ पे लगा सकते हो, मैंने माउंट लगा रखा है। आपके पास 12 volt चार्जर है यहाँ पे और इसके अलावा ऐसी कुछ एक्सेसरीज है नहीं बाइक पे। आपको समझना होगा कि दी एसेंस ऑफ ट्रैवलिंग इज लॉस्ट अगर चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो जितनी कम चीज़ें रखो। हाँ, बड़ी बाइक इसलिए क्योंकि इंजन बड़ा है, तो यू कैन क्रूज कम्फर्टेबली एट 130-120 किलोमीटर पर आवर फॉर लॉन्ग टाइम एंड सैडल इज कम्फर्टेबल, तो यू कैन डू कम्फर्टेबली 1000-1500 किलोमीटर। इतना ट्रैवल किए जब आप 1.2 lakh और समथिंग किलोमीटर, तो इस ट्रैवलिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम जैसे बाइक बीच में खराब हुआ या बहुत बार दिक्कत हुआ? बहुत बार। तो कैसे लद्दाख ट्रिप कैसे कर रहे हैं? That is the whole sense of adventure. वही तो है, कभी बाइक चढ़वाओ ट्रक पे
कभी खुद से पंचर रिपेयर करो। पल्सर लद्दाख लेके गया था, लकीली पंचर नहीं हुआ बट गिरी बहुत बार। ये बाइक मेरी गिर चुकी है कम से कम 5-6 बार, तो इसी में तो मजा है, अदरवाइज क्या है, बोरिंग है अदरवाइज। बाकी इंजॉय करते हैं बाइक में ना। अच्छा छोड़िए, कुछ सीरियस बात पे बात करते हैं। एनडीए की तैयारी जब आपने की थी 8-9 साल पहले, 10 साल पहले, हाँ, कैसा था मतलब उस टाइम एनवायरनमेंट? एनडीए की तैयारी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्राइमरी कंसंट्रेशन शुड बी ऑन क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस। अगर आप उसमें सिंसियर हो तो आपका सब कुछ हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जनरली देखा गया है कि हमारे यहाँ से जनरली लोगों की अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि स्कूल में भी इंग्लिश पे कंसंट्रेट नहीं करते, विच इज़ एक्चुअली अ बैड थिंग। तो इंग्लिश के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन चाहिए। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि आपकी इंग्लिश नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यू हैव अ डेफिनेट एडवांटेज। हाँ, जैसे एनडीए आपने किया, पास किया एनडीए का एग्ज़ाम और वहाँ पे गए आप, 3 साल तक आपको रखा वहाँ पे, तो किस टाइप का कल्चर है, एनवायरनमेंट है वहाँ पे? प्रॉपर फौजी एनवायरनमेंट है वहाँ पे, झगड़ा होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मतलब इतने छोटे इंटरव्यू में कवर नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ इतना है कि आपको ऐसी वैल्यू सिखा देते हैं कि आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, काफ़ी कुछ सिखाते हैं वहाँ पे। और उस 3 साल कोर्स के बाद, जैसे आपने बताया कि एयरफोर्स चुनते हैं, आर्मी चुनते हैं और नेवी चुनते हैं, तो वो कैसे होता है, वो कैसे डिसाइड करते हैं? आप जो अपना फॉर्म भरोगे SSB के लिए, UPSC का जो फॉर्म आता है, उसमें ही NDA एंट्री में ऑप्शन दिए होते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और नेवल एकेडमी। उस पर आप टिक करो, फॉर्म भरो, फॉर्म सबमिट कर दो। जब आप एग्ज़ाम देते हो और आपका रिटर्न क्लैरिफाई क्लियर हो जाता है तो आप खुद से सेलेक्ट हो जाओगे, आपको उसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने वो एयरफोर्स का? मैंने पहले से एयरफोर्स का भर रखा था। तो आपने जब फ्लाइट उड़ाना स्टार्ट किया, पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको, फर्स्ट टाइम जब? मैं वीडियो गेम बहुत खेलता था बचपन से, तो आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कुछ नया नहीं लगा। अच्छा, मुझे लगा ये तो मैं करता ही आ रहा हूँ बचपन से, और बट ऑफकोर्स इट इज़ फन, मतलब द काइंड ऑफ फ्रीडम दैट यू गेट, यू हैव टू बी देयर टू बिलीव इट, आई कांट, मतलब मैं ऐसे समझा नहीं सकता। कभी कुछ ऐसा लगा कि कुछ मिस्टेक हुआ या फिर कुछ हैंडलिंग हुआ अभी आपका फ्लाइट? दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, होता रहता है और ऐसा हर फील्ड में होता है। इनफैक्ट लोगों के घर में चलते चलते पंखे गिर जाते हैं, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि इट इज़ लाइटली रिस्की, बट दैट इज़ वाई एडवेंचर भी है, नहीं तो घर पर बैठ के लूडो खेलने में मज़ा थोड़ी आता है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो ऑब्वियसली रिस्क है, मेरे साथ भी हुआ है, मतलब बट यहीं पे आपकी ट्रेनिंग काम आती है। अगर आप ट्रेंड हो तो आप सफिशिएंटली जहाज़ हैंडल कर सकते हो, सेफली लैंड करा सकते हो, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जहाज़ में इतनी रिडंडेंसीज होती है कि एक सिस्टम फेल हो जाएगा तो दूसरा टेक ओवर कर लेगा, दूसरा फेल हो जाएगा तीसरा टेक ओवर कर लेगा। फाइटर प्लेन्स में खासियत है कि इजेक्शन सीट होती है, तो कुछ नहीं हुआ तो आप इजेक्शन सीट पुल कर दो, आप बाहर निकल जाओगे, पैराशूट से नीचे आ जाओगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फाइटर फ्लाइंग काफ़ी सेफ है। अच्छा, तो आप कुछ वहाँ का एक इमोशनल बॉन्डिंग पे बात बताएंगे, जैसे एक कैडेट जैसे आप हैं आर्मी में काम कर रहे हैं, तो घर से और आपके जो काम में है वो कितना इमोशनल वो बॉन्डेशन रहता है, जैसे घर वाला क्या सोचता है कि अरे वो फ्लाइट में चल रहा है? घर वाले थोड़े डरे रहते हैं और मैं बात मानूंगा, पर उनकी गलती नहीं है। ऐसा है कि अगर आप दूर बैठे हो तो दूर से कोई चीज़ क्लियरली पता नहीं चलती है, पर अब अगर आप साथ रहोगे, वहाँ देखोगे, हर रोज़ का रूटीन देखोगे, क्या लाइफस्टाइल है या प्रोफेशनल रिस्क कितना इन्वॉल्व है, कितनी सेफ्टी इन्वॉल्व है, तो दूर डर ये ख़त्म हो जाता है। तो जनरली आप देखोगे कि पेरेंट्स में डर रहता है, स्पेशली अब जैसे हज़ारीबाग ले लें, यहाँ पे किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है तो उनको कुछ नहीं पता चलेगा। अगर किसी का फौजी बैकग्राउंड या माँ बाप भी फौजी थे तो ऑब्वियसली उनको डर नहीं लगेगा। तो डिपेंड करता है कि कौन किस माहौल से है। बहुत बात हुआ रौनक साहेब जी से, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। ये हमारे साथ थे रौनक साहेब, जो फोटोग्राफी काफ़ी अच्छा करते हैं, बाइक राइडिंग भी करते हैं और अभी एयरफोर्स में हैं। एयरफोर्स से पहले इन्होंने NDA का एग्ज़ाम निकाला था, अभी कुछ दिनों में NDA का फॉर्म निकलने वाला है। काफ़ी टफ होता है एग्ज़ाम, इन्होंने तैयारी अच्छी की और एग्ज़ाम भी निकाला और साथ में अपनी पैशन जो थी इनकी फ़ोटोग्राफी की और बाइक राइडिंग की वो पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद रौनक। थैंक यू।